जो बीजेपी का कार्यालय है उसके अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला फूंकते हैं, साथ में डॉक्टर दसनपाल का पुतला फूंकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला फूंकना वो एक राजनीतिक विषय है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन डॉक्टर दसनपाल का जो पुतला फूंका वो संयुक्त किसान मोर्चे के मर्यादा के विरुद्ध है, किसान की मर्यादा के विरुद्ध है। हमारा विरोध शांतिपूर्ण रहेगा। सरकार हमारे ऊपर लाठी चलवाए, गोली चलवाए, वो सरकार का काम है, वो प्रशासन का काम है। जो भी MLA, जो भी मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री किसान के साथ नहीं है, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम है, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम है, किसी भी रूप में हमें घबराना नहीं है, किसी भी रूप में हमें डरना नहीं है, किसी भी भ्रम में पड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। हमारी लड़ाई जो है बिल्कुल JJP और BJP के साथ है, और हरियाणा की विधानसभा में बिल्कुल ये चीजें स्पष्ट हो चुकी है कि कौन किसान के साथ है, कौन किसान के साथ नहीं है। जिमें जिमें किसानी अंदोलन शिखरां ते पहुंच रहा है, उमें उमें भाजपा के लीडरां दा विरोध भी किसानां दे वल्लों शिखरां ते पहुंचदा ही नजर आ रहा है। जिस तों बाद हरियाणा के भाजपा लीडरां दे वल्लों किसानां दे पुतले फूके जा रहे हैं, जिसकी किसानों के वलों निखेधी की गई है। हरियाणा के किसानों ने रोस जाहिर करदे कहा कि किसान नेता का पुतला फूकना संयुक्त किसान मोर्चे की मर्यादा नूं ठेस पहुंचाने वाला काम है। हरियाणा के किसानों ने कहा कि जदों भाजपा के विधायक की पंजाब च कुटमार की जाती है तो फिर विरोध हरियाणा के विच क्यों? होर की कुछ कहा हरियाणा के किसानों ने, आओ तुहानूं सुणाउंदे आं। किसान साथियों नमस्कार। साथियों, मैं विकास सर, भारतीय किसान संघ समिति का प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। साथियों, हरियाणा के अंदर एक ज्वलंत मुद्दा जो पंजाब के अंदर एक घटना घटी, जिसमें एक MLA जो BJP का MLA था उसके कपड़े उतारे गए पंजाब के अंदर, लेकिन हरियाणा के अंदर BJP की कुछ नेता उसका विरोध जिताने के लिए, घटना पंजाब की है लेकिन विरोध जो है हरियाणा में जता रहे हैं, और इसके अलावा भी जो विरोध स्वरूप जो BJP के नेता हैं, हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के किसान नेताओं के पुतले फूंक रहे हैं। हम उन सब नेताओं का घोर विरोध करते हैं, उनके इस निंदनीय कार्य की निंदा करते हैं, क्योंकि घटना अगर पंजाब की है तो विरोध भी पंजाब की BJP जताए, न कि हरियाणा की BJP। ऐसा लग रहा है कि हरियाणा के जो BJP है वो कहीं ना कहीं घबरा चुके हैं, वो भी कि जो पंजाब के अंदर घटना घट रही है वो हरियाणा के अंदर घटनी शुरू ना हो जाए। साथियों, इस विषय पर दो चार बात आपसे करनी है। कई साथी जो भ्रम के अंदर पड़े हैं कि हमने विरोध करना है या नहीं करना है, मैं उन सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि संयुक्त किसान मोर्चे का स्पष्ट और सीधे शब्दों में संदेश है, निर्णय है कि जो भी BJP और JJP के राजनीतिक पार्टियों के कोई भी कार्यक्रम अगर हरियाणा के अंदर होगा, चाहे वो राजनीतिक है चाहे वो सामाजिक है, उसका विरोध करने का फैसला संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला है, और निश्चित तौर पर हम इस फैसले के ऊपर अडिग हैं। और हरियाणा के किसानों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है और उसके अंदर जो संयुक्त किसान मोर्चे के जो फैसले हैं, पहले भी जितने फैसले आए हैं उनका हम पालन करते आए हैं, और ये जो सबसे मजबूत फैसला है उसका हम पूरे जोर के साथ, पूरे होश के साथ, पूरे जोश के साथ इस फैसले का हम पालन करें। कोई भी BJP का या JJP का नेता या कार्यकर्ता इस प्रकार का कार्यक्रम अगर करता है, कोई प्रदर्शन अगर करता है, तो हमने उनका पुरजोर विरोध करना है। कल ही की घटना है हमारे हिसार के अंदर, सुबह सुबह जल्दी कुछ BJP के नेता, जिसके अंदर डॉक्टर कमल गुप्ता, जिसके अंदर विनोद ब्याणा, जिसके अंदर रणबीर गंगवा जो MLA हैं BJP के, उनका विशेष ख्याल हम रखेंगे। वो पीछे से अपने ही ऑफिस के अंदर, जो BJP का कार्यालय है उसके अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला फूंकते हैं, साथ में डॉक्टर दसनपाल का पुतला फूंकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला फूंकना वो एक राजनीतिक विषय है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन डॉक्टर दसनपाल का जो पुतला फूंका वो संयुक्त किसान मोर्चे के मर्यादा के विरुद्ध है, किसान की मर्यादा के विरुद्ध है।
इसलिए हमने पुरजोर विरोध उनका किया। और कल हिसार के किसानों ने फैसला लिया कि बीजेपी के ही ऑफिस के अंदर हमने उनके विरोध में वहाँ के जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसका पुतला वहाँ फूकने का काम किया। इसके अलावा हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने इस आग जो आग जलाने का जो काम की शुरुआत की है ओपी धनखड़ जी, उनका भी पुतला हमने फूका। और निश्चित तौर पर जो मेरे को जो भी किसान साथी हरियाणा का सुन रहा है, किसी भी भ्रम में पड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। हमारी लड़ाई जो है बिल्कुल जेजेपी और बीजेपी के साथ है। और हरियाणा की विधानसभा में बिल्कुल ये चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं कि कौन किसान के साथ है, कौन किसान के साथ नहीं है। जो भी MLA, जो भी मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री किसान के साथ नहीं है, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम है, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम है, किसी भी रूप में हमें घबराना नहीं है, किसी भी रूप में हमें डरना नहीं है। हमारा विरोध शांतिपूर्ण रहेगा। सरकार हमारे ऊपर लाठी चलवाए, गोली चलवाए, वो सरकार का काम है, वो प्रशासन का काम है, लेकिन हम अपना विरोध जारी रखेंगे। आगे आने वाले समय में भी कहीं भी आपको कोई भी JJP या BJP का किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, आप सब ने मिलकर के, सभी किसान संगठनों ने को मिलकर के, सभी किसान मजदूर को मिलकर उन सब का हरियाणा के अंदर पुरजोर विरोध करना है। साथियों, यह जो विरोध हम कर रहे हैं ये इस किसान आंदोलन का बहुत बड़ा हिस्सा है। और हमने जो हिसार के अंदर किया, चाहे वो सुभाष चंद्रा जो जी न्यूज के मालिक हैं, जो बहुत बड़ा चैनल है, लगातार हमारे किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी बता रहा। आप लोग एक बात बताओ, अगर हम उन जैसे लोगों का विरोध भी नहीं करेंगे, हम अगर दुष्यंत चौटाला का विरोध नहीं करेंगे, अगर हम जो खट्टर साहब का विरोध नहीं करेंगे जिन्होंने हमारे ऊपर नाजायज मुकदमे लगाए, जो 125 दिन से एक शब्द भी हमारे 300 किसान जो शहीद हो चुके हैं उनके विषय में नहीं बोल रहा है, जो लगातार घर बैठे किसानों के ऊपर मुकदमे बना रहा, ऐसी सरकार का विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। इसलिए आप सबसे दोबारा से हाथ जोड़ के निवेदन है, हमने पुरजोर विरोध करना है, किसी भ्रम में नहीं पड़ना है। हमारा ये आंदोलन का हिस्सा है। और कल भी जो है 11 बजे अर्बन स्टेट हिसार के अंदर, कल 11 बजे अर्बन स्टेट हिसार के अंदर जो है दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा सरकार के उप मुख्यमंत्री है, जो किसानों के वोट लेकर के उप मुख्यमंत्री बना, जिनकी 7 पीढ़ी किसानों के वोट लेती रही, वो आज किसानों के साथ नहीं है। हम कल जो है सभी साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल अर्बन स्टेट हिसार के अंदर पहुँचें। वहाँ हम जो है उप मुख्यमंत्री का भी विरोध जताने वाले हैं, और जितने भी राजनीतिक आदमी हैं जो हमारे खिलाफ़ में खड़े हैं उन सब का हम विरोध जिताने वाले हैं। आप सबके सहयोग की ज़रूरत है, आप सभी किसानों से उम्मीद है, आप लोग पूरे सहयोग के साथ पहले की तरह आप सभी कार्यक्रमों को सफल बनाएंगे और इस लड़ाई को, किसान की इस लड़ाई को मजबूत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सो मलोड़ च हुई भाजपा विधायक की कुटमार तो बाद सियासत काफ़ी गर्मा चुकी है, जिस तो बाद भाजपा लीडरों के वलों भी प्रदर्शन करने शुरू कर दिए गए ने। देखना होगा कि आखिर भाजपा के लीडरों को कदों तक किसानों के एवें ही विरोध का सामना करना पवेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी, हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन पे क्लिक करो।